जय जयकार। सरस्वर सलस्वर सालासर बालाजी मंदिर जा रहे हैं। हम लोग खाटू श्याम के दर्शन करे हुए काफी टाइम हो चुका, तो अभी हम रास्ते में हैं। हम पहुंचने वाले हैं सालासर बालाजी, तो सुबह आपको दर्शन कराएंगे अच्छे से अगर कैमरा अलाउ होगा अंदर तो। और बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। अभी हम जाकर पहुंचेंगे, रेस्ट करेंगे और कल करेंगे हम दर्शन। सुबह इस रास्ते का मैं आपको नजारा भी दिखाऊंगा, बहुत प्यारा रास्ता है। अभी आपको बिल्कुल रेगिस्तान जैसा बहुत प्यारा रास्ता है। अभी हमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ इन्होंने देख रखा है तो कुछ तो बात होगी। और आ चुके हम सालासर बालाजी, और यहाँ से कहाँ जाना है, मंदिर कहाँ देखिए, भोलेनाथ जी का मंदिर शिवलिंग, ये देखिए सामने शिवलिंग कितनी सुंदर है, पूरा मंदिर है भोलेनाथ। सुबह दिखाते हैं हम आपको शिव मंदिर सालासर। जय भोलेनाथ। कल सुबह करेंगे अपने बालाजी के दर्शन। और आप बताइए, आप पहले आए हुए हो यहाँ पर? मैं पहले आया हुआ हूँ, मेरे यहाँ से बहुत लगाव है और बहुत कुछ मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा भगवान जी का, तो इसीलिए मैं दोबारा आया उनके बुलावे पे। अब फिर बुलाएंगे, फिर आऊंगा, आता रहूंगा। सही बात है, और कुछ नहीं कह सकता इससे ज्यादा। मैं कल पहली बार दर्शन, चीजों के लिए ना शब्द नहीं होते कहने के लिए। ये तो है, सही बात है। चलो मिलते हैं कल, गुड नाइट। और गुड मॉर्निंग सबको सरस्वर बालाजी की तरफ से। और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ, मैं रात इतनी गहरी नींद में, इतने हम थके हुए थे कि हमने बस रूम लिया एंड देन हम आके सो गए। मैं सब थोड़ी देर पहले उठी हूँ और बस आप लोगों से बात करने आ गई। और एक मिनट मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कितना सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है। कल यहाँ बहुत ही बारिश थी। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, होते हैं तैयार, करने चलते हैं दर्शन और कुछ खा पीते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ आप तक जरूर आई जाएगी। बाय बाय। यहाँ पे हमारी मामी सुबह सुबह अपना रील बनाने में बिजी है। देखिए देखिए देखिए, हमने कर लिया है होटल से चेकआउट, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने बालाजी महाराज के। और फिल्मी सीन हो गया, दुपट्टा टक गया। चलो चलते हैं, जय बालाजी महाराज की जय। जय जय बालाजी महाराज की जय। आ गए हैं सालासर बालाजी, अब हम लग चुके हैं लाइन में, देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं। ऐसी लगती है भीड़, भीड़ के ऊपर डिपेंड करती है कितना मौसम। हाँ, पर अभी रेलिंग लगा रहे हैं तो हो सकता है कुछ ज्यादा भीड़ होने वाली है। अब हम लग चुके हैं लाइन में, आप पीछे देख सकते हैं पूरी भीड़ है, आगे भी पूरी भीड़, हम यहीं पे अटक गए हैं, आगे तक पूरी भीड़ है। कितनी ज्यादा भीड़ है यार, अंदर तक लाइन देखना, रेलिंग की लाइन ही लाइन, लाइन ही लाइन, लाइन। मम्मी हमारे मामा मामी दोनों दोनों लाइनों में रहे हैं। हाँ अपने आसपास। हाँ लिखी जय जयकार। जय माता, उन्हें बुलाओ। मामी जय माता दी, जय भगवान, हैप्पी बर्थडे मामी। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बस अच्छे से दर्शन हो जाए।
सर बालाजी जब आएंगे तो इस तरह से आपको रेलिंग के बीच में से इस तरह से बहुत पीछे से आ रहे हैं, ऐसे ही आना होगा, साइड साइड में से जाना होगा। इसके बाद में आपको थोड़ा जहां तक कैमरे अलाउ होंगे वहां तक दिखा दूंगा। इसी तरह से आपको इंतजार करना होगा। सामने मंदिर श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। क्या हाँ बालाजी महाराज की जय। यहाँ हमने मम्मी जी को भी दर्शन करवाए हैं सालासर बालाजी के। बहुत ज्यादा भीड़ और हम यहाँ से एंटर हो चुके हैं। श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय अंदर भी आपको प्रसाद मिल जाता है। ये देखिए पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। अब यहाँ भी देखिए प्रसाद लिया और ये आगे चल रही है। यहाँ से ले लिया हमने प्रसाद और उसके बाद हम आगे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अंदर आ चुके हैं मंदिर में। काफी लंबी लाइन लगी हुई है, काफी भीड़ है क्योंकि मानता तो है ये सनातन धर्म की। जय 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 श्री राम। मैं अंदर अलाउ नहीं है, इधर से दिखा देता हूँ आपको। सब अपना आशीर्वाद ले रहे हैं बालाजी महाराज जी का। हमारे टीका और कलावा बन चुका है यहाँ पे। अब जा रहे हैं हम लोग। जय श्री राम। जय श्री राम। और हमारे हो गए हैं बहुत अच्छे से दर्शन, हमें प्रसाद भी चढ़ा दिया अपना, अच्छे से पूजा पाठ हो गई है। अब हम बाहर निकल के आए हैं। ये आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, पीछे बहुत भीड़ है आज सच में। और लेकिन फिर भी हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। कैसे हुए दर्शन आप सबके? बहुत अच्छे। जय।
सबके यहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं विभूति लेने। यहाँ पे तीन गेट होते हैं, गेट नंबर 1, 2, 3। हाँ, तो गेट नंबर 1 पे क्या है, विभूति वगैरह मिलती है। हाँ, गेट नंबर 1 पे जो मूर्ति मिली थी ना। हाँ, हनुमान जी की। हाँ, वो मूर्ति का जो बैलगाड़ी पे छोड़ी गई थी वो वहाँ पे ही उस दिन के बाद यहाँ पे लाके। हाँ, जब यहाँ पे स्थापित करी थी तो यही छोड़ दी थी, वो एक शोकेश में बना के रख दी थी। अच्छा, तो वो एक गेट नंबर 1 पे है। और गेट नंबर 2 पे आप अंदर मंदिर के लिए एंट्री ले सकते हो, वो तो हर जगह से। और क्या बताऊं, अभी हमें जितना पता है वो हमने आपको बता दिया है। ये देखिए पूरा, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं विभूति श्री बालाजी महाराज से। बालाजी की उदी जो लगाए। हाँ, सब दुख दर्द सही बात। घर में कोई नेगेटिव वगैरह हो, कुछ भी हो, कभी आप नेगेटिव वगैरह घर में हो, कुछ भी हो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आए जरूर अपने घर में यही चीज हो ना, इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। ये तो है। इस बग्गी में उनकी मूर्ति आई थी जो एक किसान भाई को मिली थी, उसके बाद में इस बग्गी में लेके आए थे यहाँ पे स्थापित करने के लिए। और ये बग्गी यहीं की यहीं ऐसी की ऐसी कर दी थी शोकेस में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे सब अपने पाठ के लिए आते हैं, बालाजी महाराज के यहाँ पे सामने बैठ के अपना पाठ करते हैं, चालीसा वगैरह जो भी उनको करना होता है, आरती। और ये हमें यहाँ पे बड़ी ही अच्छी चीज मिली है। मार्केट है अपना, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, प्रसाद है या कुछ अपने घर के लिए कुछ अलग सी चीज। मामी, हैप्पी बर्थडे। मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो गई, साथ में मेरी भी हो गई। और हमारा बढ़िया तरीके से खाना पीना हो चुका है, छोले भटूरे मंगवाए थे, बहुत मुश्किल से खत्म करे। अब खाना पीना हो गया है, सब काम हो गया, हम जा रहे हैं अपनी कार की तरफ, अब अपने घर के लिए निकलेंगे। और सच देखिए मेरे पीछे कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी जहाँ से हम एंटर हुए थे।